दोस्तों, अगर आपने अपनी वीडियो में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और कीवर्ड अच्छे तरीके से लगा दिए हैं तो आपकी वीडियो सर्च रिजल्ट में आने लगेगी। उससे क्या होगा, आपको रेगुलर व्यूज मिलते रहेंगे, सब्सक्राइबर मिलते रहेंगे, आपकी वीडियो पर अच्छा खासा ऑडियंस रिटेंशन भी आएगा। और अगर आपकी वीडियो पर अच्छा ऑडियंस रिटेंशन आता है तो यूट्यूब ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करता है, और यूट्यूब जितना ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा उतना ज़्यादा चांस होते हैं आपकी वीडियो के वायरल होने के। और आपकी इन सब चीज़ों को करने के लिए आपकी मदद करेगा vidIQ ऐप, जिसे आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जिससे आप अपनी वीडियो में अच्छे कीवर्ड्स, अच्छे टाइटल, अच्छे डिस्क्रिप्शन, अच्छे टैग्स लगा सकते हैं। मैं भी इस एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ क्योंकि यह ऑथेंटिक है, यूट्यूब से सर्टिफाइड है। मैं भी इसे यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप भी अपनी वीडियो में अच्छे टैग्स, डिस्क्रिप्शन सब कुछ लगा सकें। और यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिकली vidIQ एप्लीकेशन बताता है, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। vidIQ एप्लीकेशन आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग, आपके टाइटल के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ प्रोवाइड कराता है, जैसे अच्छे से टैग्स लगाना, डिस्क्रिप्शन लिखना, आज इस वीडियो में सब कुछ सीखने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर vidIQ एप्लीकेशन खुद बताता है डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, हैशटैग कितने लगाने हैं, कीवर्ड कैसे लगाने हैं, टाइटल क्या रखना है। यहाँ पर जो आपके कंपटीटर होते हैं, जो आपके जैसा कंटेंट बनाते हैं, जो आपके बराबर के चैनल हैं, यहाँ पर उनके बारे में भी बताता रहता है, उनके कितने व्यूज आ रहे हैं और आपके कितने व्यूज आ रहे हैं। आपको यहाँ पर एक कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर होगा कि आप जो भी टाइटल पर वीडियो बनाना चाहते हैं आपको यहाँ पर लिखना है और सिंपल सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे, vidIQ एप्लीकेशन उसको बता देता है इसका कितना वॉल्यूम है, इसका कितना कंपटीशन है। जैसे यहाँ पर आपकी वीडियो होती है उसका ऑप्टिमाइज, उसका टाइटल रिकमेंड करता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर क्या होता है, हम जितने भी टैग्स लगाते हैं अपनी YT स्टूडियो से टैग्स लगाते हैं। YT स्टूडियो में क्या होता है, आपको अपने पास से टैग्स लगाने होते हैं, आपके दो चार दिमाग में होते हैं, आप उन्हीं टैग्स को लगा देते हैं। vidIQ एप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे ही आप अपनी वीडियो का टाइटल लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको टैग्स सजेस्ट कर देता है। ऐसा नहीं है कोई भी टैक्स सजेस्ट कर देता है, अच्छे से अच्छे टैक्स आपको सजेस्ट करता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सर्च होते हैं। और आप vidIQ एप्लीकेशन की मदद से सर्चेबल टैक्स लगा सकते हैं अपनी वीडियो में। और यहाँ पर आपको हर एक टैक्स की वॉल्यूम दिखा देता है, सर्च रिजल्ट भी दिखा देता है कि कौन से टैक्स का कितना सर्च रिजल्ट है। तो आपको यहाँ पर अच्छा लगता है, आप उस टैक्स को अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ, जिससे होगा क्या, आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा रैंक करेगी, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे। अभी मजा आएगा ना वीडियो। गाइस, मैं आपको बता दूं, मैं इस एप्लीकेशन को खुद यूज करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई स्पॉन्सर वगैरह की वीडियो नहीं है, इसे कोई भी यूज कर सकता है, इसे सब यूज करते हैं और मैं भी यूज करता हूँ। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने चैनल से लिंक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इससे आपके चैनल पर कोई दिक्कत नहीं होगी, सिक्योर रहेगा, क्योंकि ये यूट्यूब से सर्टिफाइड है। दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर यूट्यूब से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, जैसे ही आप अपना vidIQ एप्लीकेशन ओपन करते हैं, कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। आप जैसे ही अपना एप्लीकेशन खोलते हैं, आपको सबसे ऊपर डेली के 3 आइडियाज देता है, जिस पर आप वीडियोस भी बना सकते हैं। आप इसे डिसमिस भी कर सकते हैं, आप इसे सेव भी कर सकते हैं। और डिसमिस करने के बाद, सेव करने के बाद ये कहां पर आपको मिलेंगे, ये भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, पहला आइडिया जो है हमारा, यहां पर ट्विटर चलाने के लिए देना होगा पैसा। तो आप इसे चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको डिसमिस करता हूं। अब यहां पर दूसरा आपको देखने को मिलेगा, बिग यूट्यूब मोनेटाइजेशन अपडेट। अब जरूरी नहीं 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम। तो गाइज, अगर आप चाहें तो इस पर भी वीडियो बना सकते हैं, इसे आप सेव भी कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब तीसरा आइडिया आप यहाँ पर देख रहे होंगे, YouTube वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। तो गाइज, इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ। ये आइडिया आपको कहाँ पर मिलेंगे सेव करने के बाद, डिसमिस करने के बाद, मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको जैसा देखने को मिल रहा होगा, अपग्रेड योर अकाउंट। अगर आप चाहें तो इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। अब गाइज, हम चलते हैं नीचे की ओर। आपने जितनी भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई हैं, आप यहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी आपकी वीडियो पर व्यूज़ आए हुए हैं। अब आपको एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, टॉप कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज़। आप यहां पर अपनी पसंद का कोई भी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, जिससे होगा क्या, vidIQ ऐप आपको बताता रहेगा कि इसका कितना सर्च वॉल्यूम चल रहा है, आपको इस पर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपको कीवर्ड ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको साइड में पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पर ऐड मोर कीवर्ड पर क्लिक करना है।
और यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर जैसा देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं यहाँ से इसको ऐड कर सकता हूँ। ऐड कीवर्ड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सिंपली सेव कर देना है। तो आप इस तरीके से कोई भी कीवर्ड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिससे आपको पता चलता रहेगा इसका कितना सर्च वॉल्यूम है, कितना ये सर्च किया जा रहा है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा टॉप सर्च टर्म्स ऑफ योर चैनल। जितने भी आपको ये कीवर्ड दिख रहे हैं इन पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मतलब जितने भी आपको कीवर्ड दिख रहे हैं मैंने इन सब पर वीडियो बनाया हुआ है। इन पर ये दिखा रहा है कितने व्यूज़ आए हुए हैं, कितनी बार ये सर्च किया गया है। आप यहाँ पर शो मोर पर क्लिक करके सारे टाइटल पर देख सकते हैं कितने व्यूज़ आए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा परफॉर्मेंस वीएस कंपटीटर्स। तो आपके कंपटीटर हैं जो आपके जैसा कंटेंट बनाते हैं, विडाइक्यू ऐप यहाँ पर उनको शो करेगा आप कितना परफॉर्मेंस कर रहे हैं और वो कितना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको बताता रहता है। चलते हैं हम दूसरे फ्यूचर पर। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा डेली आइडियाज़ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो जो हमने आइडियाज सेव किए थे, जो डिसमिस किए थे, वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पर ऊपर देख रहे होंगे सेव आइडियाज़ पर क्लिक करूँगा, जितने भी आपने आइडियाज़ को सेव किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पर डिसमिस आइडियाज़ पर क्लिक करूँगा, आपने जितने भी डिसमिस किए थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट फीचर आता है रिसर्च, मैं इस पर क्लिक करूँगा। और विडआईक्यू ऐप में जो मुझे सबसे अच्छा फीचर लगता है वो यही है, जैसे ही आप यहाँ पर कोई कीवर्ड लिखते हैं और उसे सर्च करते हैं तो विडआईक्यू एप्लीकेशन उसे बता देता है कि इसका कितना सर्च वॉल्यूम है, इसका कितना कंपटीशन है। तो चलिए मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ वीडियो वायरल कैसे करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैंने वीडियो वायरल कैसे करें लिख करके सर्च किया है तो विडआईक्यू एप्लीकेशन आपको बता रहा है इसका वॉल्यूम 57 है और इसका कंपटीशन भी मीडियम है, तो आप इस पर वीडियो बना सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक और कीवर्ड सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर विडआईक्यू प्रो फ्री सर्च किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका वॉल्यूम कितना है, कंपटीशन कितना है। इस पर मैंने वीडियो पहले से बनाया हुआ है, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो गाइज अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट फीचर क्या है, ऑप्टिमाइज्ड। अब यहाँ आप जितनी भी वीडियो अपलोड करते हैं आपको यहाँ पर सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। अब मैं यहाँ पर एक वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले हमारी वीडियो का यहां पर टाइटल दिखाई देता है। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी यहां पर टाइटल लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहां पर विडआईक्यू एप्लीकेशन भी सजेस्ट करता है। आप यहां पर नीचे देख सकते हैं आपको 4 से 5 टाइटल सजेस्ट करता है विडआईक्यू ऐप। आप चाहें तो इन्हें भी अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, वरना आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। और आपको इनको यूज़ करने के लिए यूज़ दिस टाइटल पर क्लिक कर देना है और ये आपकी वीडियो में ऐड हो जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं अपने डिस्क्रिप्शन पर, शो मोर पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है टैग्स की। अब यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने अपनी वीडियो में यहाँ पर टैग्स लगाए हुए हैं। अब दोस्तों अपनी वीडियो में आप यहाँ से टैग्स कैसे ऐड कर सकते हैं मैं आपको वो बताऊँगा। आपको यहाँ पर कोई भी टैग यहाँ पर सर्च करना है, जैसे मान लीजिए मैंने विडआईक्यू प्रो फ्री पर ही क्लिक कर दिया और जैसे ही आप यहां पर सर्च करते हैं आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। आप यहां पर चेक पर क्लिक करेंगे और यहां से ऐड सेलेक्ट कीवर्ड पर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी वीडियो पर ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर अपनी वीडियो में पहले से ही टैग्स लगाए हुए हैं, तो आप इस तरीके से अपनी वीडियो में टैग्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अब दोस्तों हम बात करते हैं एसईओ स्कोर की। तो मैं एसईओ स्कोर पर क्लिक करूँगा तो आप जैसे ही एसईओ स्कोर पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर टैग के बारे में बता देता है, टैग वॉल्यूम के बारे में बता देता है, कीवर्ड के बारे में बता देता है, डिस्क्रिप्शन के बारे में बता देता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर चेक लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइटल के बारे में बता रहा है, आप यहाँ पर 100 वर्ड तक लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 60 ही लिखा है। आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है, टैग्स लेंथ के बारे में बताता है और यहाँ पर आपकी वीडियो के बारे में अच्छे से बता देता है। तो यहाँ से आप अपनी वीडियो का ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यहाँ से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आपको डेली आइडियाज़ मिल जाते हैं जो आप डिसमिस या सेव करते हैं। और ये आपका डैशबोर्ड है ही, आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से यूज कर सकते हैं और अपनी वीडियो को अच्छे से रैंक करा सकते हैं। आपको विडआईक्यू एप्लीकेशन के बारे में जान के और आपको इससे कितना रिजल्ट मिला यूज करके ये कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए कि आपको इस हमारे चैनल पर YouTube से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहते हैं।
गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।